भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज बेहद ही रोमांचक मोड पर आ पहुंची है। टीम इंडिया ने सीरीज की शुरुआत पहले मुकाबले में मिली जीत के साथ की थी, जहां पर रोहित एंड कंपनी ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से धूल चटाई थी, जबकि दूसरे मैच में कैरिबियाई टीम ने शानदार कमबैक किया और भारत के खिलाफ 6 विकेट से मुकाबला जीतकर सीरीज को लेवल कर दिया। अब सीरीज का अंतिम और आखिरी मुकाबला 1 अगस्त को ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी त्रिनिदाद में खेला जाएगा। जो भी टीम ये मुकाबला जीतेगी वो सीरीज पर भी अपना कब्जा जमा लेगी। वैसे वनडे सीरीज से पहले दोनों देशों के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली गई थी, जहां पर रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने 1-0 से जीत हासिल की थी। वनडे सीरीज के लिए भी टीम इंडिया को क्लीन स्वीप का फेवरेट माना जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया तीनों मुकाबले जीतेगी और आसानी से क्लीन स्वीप कर लेगी, लेकिन वेस्टइंडीज ने शुरुआती दोनों ही मुकाबलों में अच्छा परफॉर्मेंस किया। वेस्टइंडीज की टीम को भले ही पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन वो पूरी तरीके से टीम इंडिया पर हावी होते नजर आए थे, जबकि दूसरे मैच में तो कैरिबियाई टीम ने शानदार पलटवार किया। हालांकि आपको एक दिलचस्प आंकड़ा बता दें कि टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछले 17 साल से एक भी वनडे सीरीज नहीं गंवाई है। भारत ने आखिरी बार वेस्टइंडीज के खिलाफ 2006 में कोई वनडे सीरीज हारी थी। उस समय भारत के कप्तान राहुल द्राविड़ और वेस्टइंडीज के कप्तान ब्रायन लारा थे। टीम इंडिया को तब 5 मैचों की सीरीज में 4-1 की शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि 2006 के बाद से 2023 तक भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ एक भी वनडे सीरीज नहीं गंवाई। इस दौरान दोनों देशों के बीच 12 एक दिवसीय सीरीज खेली गई और सभी में टीम इंडिया ने जीत का स्वाद चखा। इस दौरान भारतीय टीम के अधिकांश सीरीज में महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे, जबकि कुछ सीरीज में विराट कोहली को भी कप्तानी करते देखा गया। लेकिन अगर 1 अगस्त को अगर टीम इंडिया सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला हार गई तो सीरीज से भी हाथ धो बैठेगी। यानी कि साफ है कि 17 साल में पहली बार टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ कोई सीरीज हारेगी। सीरीज हारना बुरी बात नहीं है, लेकिन जो परफॉर्मेंस अभी तक टीम इंडिया का इस सीरीज में देखने को मिला है वह वाकई में निराशाजनक है। वर्ल्ड कप वाले साल में टीम इंडिया से इस तरह की परफॉर्मेंस की किसी भी फैन ने उम्मीद नहीं की थी। टीम लगातार एक्सपेरिमेंट कर रही है, ना कप्तान रोहित शर्मा चल रहे हैं, ना विराट कोहली को खेलने का मौका मिल रहा है, इसलिए फैंस का गुस्सा भी देखते ही बन रहा है। अगर टीम इंडिया वाकई में सीरीज हार जाती है तो ये वाकई में बहुत शर्म की बात होगी। आपको बता दें कि वेस्टइंडीज ने आगामी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं किया है। ऐसे में अगर वेस्टइंडीज भारत के खिलाफ 2-1 से वनडे सीरीज जीतता है तो टीम इंडिया के लिए इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती।